आज हम पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका। जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारत देश में संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है। संघीय कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों एवं कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन सभी देशों में एक ही प्रकार की कार्यपालिका नहीं हो सकती। इसलिए कार्यपालिका के दो रूप है, एक संसदात्मक कार्यपालिका तथा दूसरी अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका। संसदात्मक कार्यपालिका वह होती है जिसमें कार्यपालिका अपनी कार्यों एवं कार्यकाल के लिए व्यवस्था के प्रति जवाबदेह होती है तथा संसदात्मक कार्यपालिका में कार्यपालिका के सदस्य आवश्यक रूप से व्यवस्थापिका के सदस्य भी होते हैं तथा राष्ट्रीय एवं सरकार के अध्यक्ष अलग अलग होते हैं। यह व्यवस्था संसदात्मक व्यवस्था कहलाती है। जापान, जर्मनी, इटली, भारत जैसे देशों में संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई है तथा अध्यक्षात्मक व्यवस्था वह होती है जिसमें राष्ट्रपति राज्य एवं सरकार दोनों का प्रधान होता है तथा यह अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में अपनाई गई है। कार्यपालिका का सहरूप हमारे देश में संसदीय कार्यपालिका अपनाई गई है तथा राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक एवं नाम मात्र का अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो ये माना जाता है कि राष्ट्रपति का पद गरिमा और प्रतिष्ठा का पद होता है तथा वह देश का प्रथम नागरिक होता है और वृद्धा क्रम में अपना सर्वोच्च स्थान रखता है। राष्ट्रपति को पद को लेकर अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा तथा अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि संघीय कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है।